वेलकम बैक टू माई चैनल लव योर सेल्फ नीलूफर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर वेल। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस ग्लैम फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें आई लुक मैंने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे या टेक्निक आप बोल सकते हैं मैंने यूज़ किया है। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेस होते होते बचा है एंड ये कन्वर्ट हुआ है प्रो पे। सो कैसे हुआ है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सो वॉच दी कम्प्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्किन को कर लेते हैं प्रेप। सो यहाँ पर मैं नीम एंड तुलसी का जेल क्रीम ले रही हूँ, जो कि गुड वाइब्स का है, और इसे ऑल ओवर फेस में लाइट सा मसाज करूँगी। अगर आपका ऑयली स्किन है ना, तो कोई भी जेल क्रीम पे आप जा सकते हैं, और ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले आपके स्किन पे जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव होते हैं, यहाँ पर मैं विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम ले रही हूँ, ये भी अगेन गुड वाइब्स का है। कुछ लिंक जो प्रोडक्ट के हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके फ्यू ड्रॉप्स लूँगी एंड अपने फेस पे बहुत लाइट सा मसाज करूँगी। अगर आप चाहो ना, पैट पैट मोशन में भी ये जो ऑयल है ना, अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर रियल मेकअप बेस ले रही हूँ, स्विस ब्यूटी का ये फेस प्राइमर है, और इसमें ना थोड़ा ड्यू लाइक आपको फिनिश मिलता है। सो इसे मैं आज अप्लाई कर रही हूँ इस लुक के लिए, एंड इसको थोड़ा सा लाइट से मैं मसाज करूँगी। एंड यू कैन सी द लाइक एक्चुअल लाइक आपका जो स्किन है ना, कितना ग्लो करने वाला है और ड्री बेस आपका बनने वाला है। सो इसे जस्ट मैं अप्लाई कर लेती हूँ, देन यू कैन सी द ग्लो फैक्टर। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा ग्लो फैक्टर इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट ब्रावो को मैंने ऑफ कैमरा एंड अपने आईज को अच्छे से प्राइम कर लिया है। सो मूव होंगे आई मेकअप में। अगेन यहाँ पर मेरा फेवरेट स्टेसी मैडी का बी परफेक्शन कार्निवल का पैलेट ले रही हूँ। इसमें सीक्वेंस वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सा शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट एक ट्रांजिशन शेड के पास जा रही हूँ, लाइक एक ब्राउन, बेसिक सा मैट ब्राउन है, इसे मैं आउटर वी में प्लेस करूँगी। सो यू कैन सी कितना मतलब मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इस लुक को क्रिएट करने में। सो ये आपको वीडियो में पता चलेगा। देन सेम ब्राउन के ऊपर ना, जो नेक्स्ट एक और ब्राउन है, थोड़ा सा ये शिमरी शेड आता है, वो मैंने इसके ऊपर प्लेस किया है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ब्राउन जो शेडो पिक किया था उसमें मुझे परफेक्ट लाइक जो मुझे चाहिए था ना, वो स्मोकी लुक नहीं मिल रहा था। अगेन पहले प्लेस करने के बाद, जैसे मैं करती हूँ ऑलवेज, मैं अब इसको ब्लेंड करूँगी एक क्लीन ब्रश या फिर फ्लफी ब्रश के हेल्प से, जिससे कोई हार्श एजेस ना रहे। देन आई थॉट कि थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर में भी सेम शेडो जो है अप्लाई करूँ। सो मैंने यहाँ पर भी सेम ब्राउन जो शिमरी वाला है ना, सेकंड जो मैंने पिक किया था, वो पहले प्लेस करूँगी एक थोड़ा सा जैसे क्रीज एरिया बनाते हैं ना, जस्ट इनर कॉर्नर में पहले मैं इसको प्लेस करूँगी, और इसे थोड़ा सा मैं ना ऊपर की तरफ कनेक्ट करूँगी। अगेन जो सेंटर पार्ट है ना, इसे मैंने येल्लो मैट वाला जो शेड है वो पिक किया है, एंड फिर मैंने जो लिड है मेरा लाइक सेंटर ऑफ माई लिड, इसमें मैंने अच्छे से प्लेस किया है। तो जब मैंने ये किया ना, तो तब मुझे ऐसा लगा कि स्टिल इसमें कुछ कमी है। सो व्हाट आई थॉट कि मैं थोड़ा सा ना कट क्रीज कर लेती हूँ, जबकि हम कट क्रीज पहले करेंगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कट क्रीज भी मैं बहुत शार्प नहीं करूँगी, बहुत बेसिक सा करूँगी, ताकि मुझे ना थोड़ा सा एक स्टेंसिल मिल जाए कि हाँ, मुझे इसी आर्क के अंदर जो है अपना जो शेडो है वो पिक करना है। देन मैंने शिमरी शेड पिक किया येल्लो, एंड देन फिर मैंने उसी लाइन के साथ साथ ना ड्रॉ किया है, एंड सेंटर माई लिड जो आउटर पूरा तक नहीं लेके जाऊंगी, हाफ हाफ कह सकते हो, इसमें प्लेस किया है। सो यू कैन सी द कितना अच्छा शिमरी शेड है। देन अगेन मैंने ब्राउन कलर जो है पिक किया, अगेन मैंने जो इनर कॉर्नर में जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था ना, वहीं पर मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे उसी के बाद लग रहा था ना कि हाँ, अब फिर मेरा जो कट क्रीज वाला एरिया है ना, वो थोड़ा सा शार्प दिखने वाला है। देन क्लीन ब्रश के हेल्प से इसे मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी। सो ये कुछ स्टेप ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, अगर मैं पहले से थोड़ा प्लान करती तो इतना नहीं पड़ता। देन यू कैन सी अगेन मेरा आउटर व्यू मुझे स्मोकी नहीं लगा। सो मैंने ब्लैक शेडो पिक किया एंड देन उसे आउटर व्यू में थोड़ा सा प्लेस किया है, एंड अब इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी, ताकि ये दोनों शेड जो है ना आपस में मर्ज हो जाएँ। सो इसे भी मैंने करके देखा, देन अगेन मुझे इसमें भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बट स्टिल अब मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल स्टॉप करूँगी, एंड देन मैं मूव होंगी लाइक अपने
एक हिलारी रोडा, मैंने इसमें सोचा कि ये ऑप्शनल है एक्चुअली, अगर आपके पास है कोई लिक्विड लाइनर तो आप ले सकते हो, क्योंकि गोल्डन के साथ गोल्डन ना बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट दे रहा था शार्प लुक जो कि कट क्रीज का होता है। तो मैंने वहाँ पर ना बहुत लाइट सा एक लाइन ड्रॉ किया जो कि आपको ना बीच बीच में दिखेगा उसका रिफ्लेक्ट कि हाँ इसमें थोड़ा शार्प लुक आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लैक्मे का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, एंड देन बेसिक सा पहले मैं लाइनर क्रिएट करूँगी इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए, एंड देन इसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना विंग जो है वो क्रिएट करना था, सो विंग भी मैं चाहती तो मैं बिना विंग के भी लाइक इसी में फॉल्स लैश अप्लाई कर सकती थी, बट अगर आप इस ऐसे ही जाएंगे लाइक आप लाइनर लगाएंगे तो ये लुक जो है ना थोड़ा सा बेटर लग रहा था। देन अदर आई को भी मैं ऑफ कैमरा अप्लाई कर लूँगी। अब मूव होते हैं बेस मेकअप, सो यहाँ पर मैं मेबेलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन ले रही हूँ, फुल कवरेज फाउंडेशन है ये, और इसका शेड एंड एवरीथिंग ना जो मैं स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, और इसे मैं ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लूँगी। अगर आपकी कोई हाईली पिगमेंटेड एरिया है ना वहाँ पर आप कलर करेक्शन भी लगा सकते हैं। देन मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ, सो कंसीलर एज यूजुअल जैसे थोड़ा सा आपको फुल कवरेज भी मिलता है, सो इसे मैं पूरे फेस में अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट मैं अंडर आई को थोड़ा सा कंसील करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज जो भी हमारे फेस के ना हाई पॉइंट होते हैं ना वहाँ पर जस्ट मैं प्लेस कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने ये शेयर इसलिए किया ना क्योंकि आप लोगों को लगता होगा ना कि ये बहुत प्रो जो है ये स्टार्टिंग से आता है, नहीं हमें भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते करते समटाइम्स ना वो थोड़ा मेस हो जाता है, सो वही बेसिकली था। तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ एक्चुअल रियल लाइफ जो होती है ना वो शेयर करूँ। देन मैं जीनो मैक्रे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, आप चाहो तो बेक कर सकते हो किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ, सो फिलहाल यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ, जहाँ पर भी मैंने कंसील किया था उस एरिया को थोड़ा सा ब्लॉक कर दूंगी। देन यहाँ पर अगेन स्टे क्विडी का व्हाइट लाइनर ले रही हूँ मैं, और इसे मैं अपने लोअर बॉटम जो होता है ना उसके वाटर लाइन पे प्लेस करूँगी। आप चाहो तो काजल लगा सकते हो, बट व्हाइट शेडो लाइक व्हाइट अगर पेंसिल यूज करो तो आपकी आईज ना थोड़ी सी बिगड़ लगती है। देन येलो शेड मैंने फिर से लिया एंड लोअर लैश में ना इसे मैं प्लेस कर रही हूँ, तो आगे चल के भी आप देखिएगा। देन ब्लैक शेडो लिया मैंने हल्का सा एक एंगल ब्रश में, और उसे मैंने आउटर जो विंग था ना उसके साथ कनेक्ट किया। सी यहाँ पर जो मेरा विंग है ना थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो इसके ऊपर मैं फिर से लाइनर ले रही हूँ। देन अगेन मैं जो विंग है ना उसे क्रिएट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इस लुक के लिए, बट एट दी एंड बहुत ही अच्छा ये कन्वर्ट हुआ है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज आप चाहते तो मैं शॉर्टकट बता सकती थी, बट मैं चाह रही थी ना एक्चुअल जो होता है ना समटाइम्स हम ट्राई करते हैं बट वैसा लुक नहीं ला पाते, तो मैंने सोचा आपके साथ इस टाइप का कुछ मैं वीडियो शेयर करूँ। सो नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टोर के, सो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी 03 शेड पे जा रही हूँ ब्रॉन्जर के। सो जो भी एरियाज हम कॉन्टोर करते हैं उस एरियाज को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। सो ये बेसिकली पाउडरी जो कॉन्टोर है ब्रॉन्जर वो है, अगर आप लिक्विड करना चाह रहे हैं तो बेस सेट करने के पहले कर लीजिएगा, लाइक फाउंडेशन के बाद कंसीलर अप्लाई करते हैं देन आप जो है कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं कोई भी लिक्विड या क्रीमी टेक्स्चर वाला। देन अपने नोज को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी एंड देन थोड़ा सा नेक में, और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्लश ऑन, ये रिफ्रेशिंग एंड ग्रूमिंग है, और जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रोल किया था ना जस्ट हाई पॉइंट ऑफ माय चीक्स वहीं पर मैं अप्लाई करूँगी। एंड देन ग्लैम सीक्रेट का मैं यहाँ पर मिनी हाइलाइटर ले रही हूँ, और जो भी एरियाज हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा फोरहेड में नोज एंड थोड़े से चीक्स पे अप्लाई करने के बाद मैं लिपस्टिक को कंप्लीट करूँगी यहाँ पर स्विस ब्यूटी के न्यूड शेड पे 421 लस्ट ऑन, और इसके साथ मैं दूसरा एक लिक्विड लिपस्टिक भी ले रही हूँ। तो फर्स्ट मैं जो है स्विस ब्यूटी के 421 शेड पे जा रही हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं लिक्विड शेडो जो लाइक लिपस्टिक है वो अप्लाई करूँगी। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही लाइट सा पिंकी बेबी पिंक आता है वैसा आ रहा है। सो ऑलमोस्ट ही मेरा डन है, और अब मैं थोड़ा सा ड्रेस के साथ दिखाती हूँ। सो दैट इज़ माई फाइनल लुक, और सीरियसली मुझे आई लुक बहुत ही अच्छा लगा, ये आप किसी भी स्पेशल ओकेशन पे ट्राई करके देखना लाइक बहुत ही ऑसम लगने वाला है, एंड हेयर स्टाइल आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।